चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों की नंबर वन अभिनेत्री आम्रपाली दुबे आने वाली फिल्म बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म रेस 3 से पंगा लेने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे और सलमान खान की फिल्में एक साथ एक बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर होने वाली है। आपको बता दें कि निरहुआ एंटरटेनमेंट प्रस्तुत और निर्माता प्रवेश लाल यादव व लेखक निर्देशक संतोष मिश्रा की बॉर्डर की शूटिंग पूरी हो गई है। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद आम्रपाली दुबे की कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया है और इसे भारी मात्रा में भोजपुरी दर्शक सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस फोटो को लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फोटो में खुलासा यह हो पाया है कि आम्रपाली दुबे बॉर्डर में मुस्लिम लड़की के किरदार में नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे अभी कुछ भी बताने को से इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द ही फिल्म की और भी जानकारी आप सभी मीडिया वालों को दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि फिल्म बॉर्डर में एक बार फिर से सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की हॉट जोड़ी एक बार फिर से भोजपुरी दर्शक देख पाएंगे। आपको बता दें कि फिल्म बॉर्डर में भोजपुरी फिल्म जगत के ना ही सिर्फ सबसे महंगी फिल्म होगी बल्कि भोजपुरी फिल्म जगत के दिग्गजों की भरमार भी इस फिल्म में होने वाली है। निर्माता प्रवेश लाल यादव ने बताया कि मल्टी स्टार बॉर्डर की शूटिंग समाप्ति के बाद हुआ अपने आने वाली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह है कि फिल्म बॉर्डर भी ईद के मौके पर पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया जाएगा तो वहीं बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की रेस 3 भी एक साथ पूरे भारत में रिलीज किया जाएगा। अब देखना यह है कि भोजपुरी दर्शक रेस 3 को ज्यादा पसंद करते हैं या फिल्म बॉर्डर को, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन दोनों फिल्म का मार्केट अपने आप में ही बेहद गर्म है।